अगर आप टेलीग्राम के जरिए शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ठगों ने शेयर ट्रेडिंग करने वालों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आखिर ठग शेयर ट्रेडिंग करने वालों को कैसे अपना निशाना बना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ठगी का शिकार हो जाए, क्योंकि एक नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के माध्यम से अब तक कई लोग ठगे जा चुके हैं। ऑनलाइन आपके पास एक आवेदन आता है, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, आप उस रिक्वेस्ट के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर जुड़ते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में शामिल हो जाते हैं। शुरू में आपको प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन जब आपको पता लगता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पूरी तरह से डूब चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप ठगे जा चुके होते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ठगा जा रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग की खबरें सामने आ रही हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये ठगी हो किस तरह से रही है, तो चलिए आपको बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक डैशबोर्ड बनाया जाता है, जिसे देखकर सालों से ट्रेडिंग कर रहे लोग भी चकमा खा जाते हैं। वेबसाइट पर कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव भी दिखाया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि वेबसाइट एकदम असली है। एक लिंक के जरिए तमाम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ा जाता है। सभी को मैसेज कर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने पर शुरुआत में कुछ प्रॉफिट भी दिया जाता है। जैसे ही व्यापारी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें ठग लिया जाता है। तो वहीं ऑनलाइन के जरिए व्यापारी किस तरह से इस ग्रुप से ठगे जा रहे हैं, इस बात को जानने के लिए न्यूज स्टेट ने पड़ताल की तो काफी कुछ सामने आया। न्यूज स्टेट ने उस ग्रुप में जुड़ने की कोशिश की, जिसके जरिए शेयर ट्रेडिंग करने वालों को ठगा जा रहा है। साइबर स्टेट के पास पूरे मध्य प्रदेश से इस तरह की शिकायतें जा रही हैं, जहां ऐसे लोगों को ठगा जा रहा है जो सालों से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाए गए इस डैशबोर्ड से ऐसे लोगों को ठगना भी बेहद आसान हो रहा है। भोपाल में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, इस बात की पुष्टि खुद साइबर सेल ने की है। साइबर सेल के AIG की माने तो भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं। हाँ, कुछ सूचनाएं हमें इस तरह से आ रही हैं कि ये मोडस ऑपरेंडी अभी इन वोग है, लगातार चल रही है। सर, आंकड़ा कुछ 100 के ऊपर तो गया ही है, और सर खास में ये भी कहा जा रहा है सर इसमें जो अमाउंट है वो भी करोड़ों में जा रहा है फ्रॉड का। हाँ, अमाउंट इसमें बड़े आ रहे हैं। इसमें अभी ये देखने में आया कि चूँकि शेयर ट्रेडिंग में आमतौर पर भी अमाउंट बड़े लगाए जाते हैं, और शेयर ट्रेडिंग के मोडस पे ही इन चीज़ों पे काम चल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोग शेयर में काम करते हैं उनको फंसाया जा रहा है, तो बड़े अमाउंट से आ रहा है। भोपाल में एक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से 20 तो कहीं से 10 केस, स्टेट साइबर सेल के पास अब तक सैकड़ों केस आए हैं। व्यापारियों के साथ की गई करोड़ों रुपए की ठगी, भोपाल में एक पीड़ित के साथ 1.5 करोड़ की ठगी हुई। जितने मामले सामने आए उनमें ठगी की रकम करोड़ों में है। सालों से शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोग ज्यादातर शिकार हुए हैं। एक्चुअली उस तरह के शेयर ट्रेडिंग आपको दिखाई देगी कि BSE NSE स्टॉक पे हो रही है, पर जो आप ऐप में ट्रेडिंग कर रहे हो या जो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कर रहे हो, ये ट्रेडिंग पूरी तरह से फर्जी डैशबोर्ड की है, AI जनरेटेड डैशबोर्ड है ये। तो उन डैशबोर्ड पे आपको वही उतार चढ़ाव दिखेंगे जो एक्चुअल उस कंपनी के साथ हो रहे हैं, पर पैसे आपके उस कंपनी में नहीं जा करके फ्रॉडस्टर के पास जा रहे होंगे। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां हर कोई इसी उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करता है कि आज नहीं तो कल उसको लाभ होगा ही। हमारे देश में कई लोग इसकी मिसाल भी पेश कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। लोग मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ठग उनके खातों को ही साफ कर डाल रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की ये ठगी टेलीग्राम के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में साफ है कि पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरह के ठगियों को वो ट्रेस कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ठगियां हैं देश के बाहर से ऑपरेशन इनका किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि देश में ही बैठे बैठे कोई गिरोह इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की ऑनलाइन ठगी से बचें। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही वो इस तरह के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेंगे, और जो मॉडल ऑफ सप्रेंडी इन गिरोह के द्वारा अपनाई जा रही है उनको भी ट्रेस करने में जल्दी स्टेट साइबर पुलिस कामयाबी हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।